अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू बेगम किचन। आज मैं लेकर आई हूँ पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो चलिए घर में बनाते हैं यम्मी वेज पिज़्ज़ा। तो इसके लिए हमें सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी और मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि डो कैसे बनाया जाता है, इसका बेस कैसे बनाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए हम लिक्विड वाटर लेंगे। ये हम एक पिज़्ज़ा का डो बना रहे हैं। इसके लिए हमें आधा कप हमने लिया है लिक्विड वाटर, जो बिल्कुल हल्का है। अगर हम इसमें फिंगर डिप करें तो हमारे जले ना, और ना ही ठंडा और ना ही गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसको हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम लेंगे 1 टीस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट। ऐसे तो हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं पिज्जा में, लेकिन मेन मसला यह है कि ये एक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इसको अगर एक्टिव नहीं हुआ ये, तो ऊपर को झाग नहीं आएंगे और हमारा पिज्जा जो है खमीर उसमें नहीं उठेगा। इसको रिजॉल्व होने तक हम करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। अगर इसमें बबल्स आ गए, ऊपर उठ के आ गया, एक्टिव है तो ये एक्टिव है, अदरवाइज ये हमारा पिज्जा मतलब डो ठीक नहीं बनेगा। लीव इट। देखिए यीस्ट एक्टिव हो चुका है, इसमें बबल छोटे छोटे हमें दिख रहे हैं। अब इसमें हम 1 कप ऑफ मैदा डालेंगे। और इसको स्ट्रेन कर लेंगे। क्वार्टर चम्मच हम इसमें सॉल्ट देंगे और 2 टीस्पून इसमें जाएगा वेजिटेबल ऑयल। इसको मिक्स करेंगे। और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हमें गूंथते रहना है। अगर चिपके तो हम इसमें थोड़ा ऑयल भी लगा सकते हैं या सूखी मैदा भी लगा सकते हैं। इसी तरह से हमें इसे गूंथ लेना है। रुक जाओ, और हमें इसका डो ये हमारा रेडी है। इसको डबल साइज में होने तक के लिए इसको हम किसी भी सूखी जगह पे कवर करके रख देंगे। आप देख सकते हैं अब ये साइज में डबल हो चुका है। 1 घंटा रखा है इसको हमने, तब ये साइज में डबल हो गया है। अब ये डो बिल्कुल रेडी है, इसका अब हम पिज्जा बेस बनाएंगे। पिज्जा बेस तैयार करेंगे। थोड़ी सूखी मैदा के साथ इसे अच्छे से बेल लेंगे। पैन को ग्रीस करिए ऑयल के साथ और अपने बेस को यहाँ रख दीजिए। सब तरफ दबाते हुए इसे एक बराबर से कर देना है। पिज्जा सॉस डालिए इसमें। बेस पे सबसे पहले पिज्जा सॉस लग, फिर फोक की हेल्प से इसमें निशान डालिए ताकि आपका जो बेस है वो फूले ना, अंदर से बबल्स ना पड़े। मोज़रेला चीज़ लिए यहाँ पर, आप अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा चीज़ ही चाहिए तो ज़्यादा लीजिए, कम चाहिए तो कम लीजिए। मशरूम लिए हैं मैंने यहाँ पर, इसको हर तरफ लगा देंगे। शिमला मिर्च है, हरी लाल शिमला मिर्च और प्याज लिए है। ये
यहाँ कॉर्न के दाने भी ले लिए मैंने, इसमें हर जगह लगा दूंगी। बस और कुछ नहीं करना, बस सारा अपने वेजी लग गई हैं। अब हम इसे तंदूर में बेक करने के लिए रख देंगे। मैंने तंदूर यूज़ करा है, आप ओवन भी, माइक्रोवेव में, किसी में भी बेक कर सकते हैं, इवन आप गैस पे भी बेक कर सकते हैं। बस 15 मिनट में ये बेक हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे नज़र आ रहा है। देखिए बड़े ही क्रिस्पी सा तैयार हुआ है, वेजी सारी पक गई हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके हमें अपना सजेशन ज़रूर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो क्या मैं तैयार करूँ आप ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।